अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 13 में। इस लेक्चर में जो हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये फ्री हाइलाइटेड नोट्स आपको लेक्चर के एंड में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो काइंडली वीडियो को पूरा देखें। आज के लेक्चर में टॉपिक हम डिस्कवर करने वाले हैं या हम जिनके बारे में लर्निंग करने वाले हैं वो है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन मॉडल, कल्चर वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, नेशनल कल्चर वेरिएबल्स और इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल्स। तो चलिए अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। तो मेन हेडिंग जो है इस लेक्चर की वो है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो है अ कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। कल्चर रेफर टू द बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक ऑफ टिपिकल ऑफ अ ग्रुप, यानी कि कल्चर जो है वो सकाफत आमतौर पर इन चीज़ों को कहा जाता है कि जो उसमें रहने वाले लोग हैं। जैसे हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ लोग रहते हैं उनकी क्या सकाफत है या हमारे क्या बिहेवियर होते हैं एज़ पर आवर ट्रेडिशन, उनको कल्चर कहा जाता है। दिस डेफिनेशन इम्प्लाइज दैट कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल विदिन अ ग्रुप इज़ आल्सो टिपिकल ऑफ दैट ग्रुप एंड इज़ यूनिक। ये डेफिनेशन इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं इसका भी इजहार करती है कि मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं उनसे आप वर्बल कम्युनिकेशन करें या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करें, उसका उसके कल्चर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा असर होता है। वो किस तरीके से होता है या क्या उसमें बाउंड्रीज़ होती हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आगे जैसे जैसे हम इस लेक्चर में लेटर ऑन मूव करेंगे वो हमें समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? जजिंग अदर ग्रुप ऑफ कंट्रीज बाय द कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ ग्रुप इज़ नोन एज इथोसेंट्रिज्म। यानी कि आप जो अपने कंट्रीज़ के अंदर रहते हुए या दूसरी कंट्रीज़ के जो ग्रुप्स को जो है आप कंसीडर करते हैं उनके कल्चरल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, वो जो उस ग्रुप का कल्चरल स्टैंडर्ड होता है वो इथोसेंट्रिज्म कहलाता है। या किसी भी ग्रुप को उसके कल्चर के हिसाब से उसको एनालाइज करना या उसके बारे में सोचना या उसको देखना, ये इथोसेंट्रिज्म कहलाता है। कल्चरल जनरलाइजेशन एप्लीकेबल टू एन एंटायर नेशन लेवल एज इम्पॉसिबल। यानी कि एक ऐसा नहीं हो सकता कि आप नेशनल लेवल पे पाकिस्तान की जैसे मिसाल लें तो पाकिस्तान के कल्चर को आप पूरी एक ट्रेडिशन के अंदर तोल देंगे कि ये पाकिस्तान है और इसका कल्चर जो है ये है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं सिंध में लोगों का कल्चर थोड़ा मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू पंजाब, और पंजाब के लोगों का कल्चर मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू बलूचिस्तान। नोइंग कोर करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंट्री आर बेसिक टू बेटर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। यानी कि आपको उस कंट्री की जो है कुछ खास बातें पता होनी चाहिए उसके कल्चर से रिलेटेड, जिस कंट्री में आप जाने वाले हैं या जिस कंट्री से रिलेटेड, जिस कंट्री से आप बिज़नेस कर रहे हैं या जिस कंट्री के लोगों से आपने कम्युनिकेशन करना है, वहाँ की जो कुछ कोर खसूसियात जो हैं वहाँ के कल्चर की वो आपको पता होना चाहिए। एन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन मॉडल स्टडीज़ हैव लॉन्ग डिटरमाइंड दैट ऑल ऑफ अस आर मोर कम्फर्टेबल विद पर्सन वी नो हु होल्ड सिमिलर बिलीफ। यानी कि स्टडीज़ जो हैं, मुख्तलिफ स्टडीज़ जो हैं वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड की गई हैं और उनका जो नतीजा निकल के आया है वो ये है कि हम कंफर्टेबल होते हैं उन लोगों के साथ जिन लोगों को हम पहले से जानते हैं या कि जो हमारे कल्चर के होते हैं या उनके बिलीव्स जो हैं वो बिल्कुल हमारी तरह के होते हैं। बिलीव से मुराद ये है कि वो मुसलमान होते हैं, उनका एक खुदा पर यकीन होता है, एक रसूल अकरम सल्लम पर यकीन होता है, और दूसरा जो है वो एक मुल्क के अंदर रह रहे होते हैं। अब आप अगर हमारे मुल्क में रहते हुए माइनॉरिटीज़ से बात करेंगे तो हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए रिस्पेक्ट है। माइनॉरिटी से मुराद क्रिश्चियन, कुछ हिंदू भी हमारे यहाँ रहते हैं, अक्सरियत हमारे यहाँ मुसलमानों की है। तो ऐसा नहीं है कि हम हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं या क्रिश्चियंस का हम मजाक उड़ाते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारी इज्जत करते हैं, एक भाईचारा एक मोहब्बत वाले तरीके के साथ हम रह रहे होते हैं। पर एज़ कम्पेयर टू अगर आप दूसरे मुल्क में चले जाएँ जहाँ पर आप ले लें कि हिंदू बहुत ज़्यादा हैं और मुसलमान बहुत कम हैं, तो वहाँ मुसलमानों को थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो स्टडीज़ ये शो करती है कि हम कंफर्टेबल होते हैं अपनी तरह के लोगों के अंदर, जैसे जिनके बिलीव्स हमारे जैसे हों या जिनकी सोच हमारी जैसे हो। अब ये एक कल्चरल मॉडल दिखाया गया है कि आप कंट्री वन देख लें, कंट्री टू देख लें, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पर मेजर कल्चरल ओवरलैप है। टू कंट्रीज़ माइट स्पीक सेम लैंग्वेज, ड्रेस सिमिलरली, यूज़ कॉमन बिलीफ ऑफ ड्रेस। यानी कि अब आप अगर हमारी मिसाल ले लें और इंडिया की मिसाल ले लें, तो इंडिया में बहुत सारे मुसलमान हैं, वो लोग हमारे यहाँ आते हैं या हमारे लोग वहाँ जाते हैं, तो बहुत कम रेजिस्टेंस होती है आपस में, लोगों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इत्तेफाक है। अगर आपके रिलेटिव्स में या आपका ख़ुद का या आपके किसी करीबी दोस्त का अगर इंडिया जाना हुआ हो या इंडिया से कोई यहाँ आया हो, तो आप लोग बहुत मोहब्बत से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेडिशन ये डेवलप हुआ हुआ है या एक आम ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा दुश्मनी है दो मुल्कों के दरमियान, लेकिन जब मिलते हैं तो इतना नहीं है। तो ये किस वजह से होता है कि मेजर ओवरलैप है। हिंदी और उर्दू तकरीबन मिलती जुलती लैंग्वेज हैं, हम हिंदी आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं,
और वो उर्दू आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कुछ हिंदी के अल्फाज हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं और कुछ उर्दू के अल्फाज वो लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसकी वजह क्या है कि वहाँ पे हमारे ड्रामास वगैरह देखे जाते हैं, यहाँ पे हम उनकी मूवीज़ वगैरह को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वजह से जो है दो कंट्रीज़ जो हैं उनका कल्चर बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है। और यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखें कंट्री फोर देखें और कंट्री वन देखें तो बहुत कम एरिया जो है वो ओवरलैप कर रहा है, और कंट्री टू और कंट्री फोर के दरमियान थोड़ा जो है सम कल्चर ओवरलैप है। अब यहाँ पे बात हो रही है कोर सिमिलैरिटीज़, बेसिक ह्यूमन करेक्टरिस्टिक आर कॉमन टू ऑल अस, फिजिकल एनाटोमिकल ट्रेट्स आर कॉमन टू ह्यूमन काइंड रिगार्डलेस ऑफ रेस और कल्चर डिफरेंसेस, एक्ट एज वॉकिंग लव ऑफ फैमिली एट्सेट्रा। यानी कि कल्चर सिमिलैरिटीज़ ऐसा नहीं है कि आप ये समझेंगे कहीं अगर कल्चरल में डिफरेंस है तो ऐसा नहीं है कि वो इंसानों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो इन तमाम इंसानों की एक जगह मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबन एक जैसी होती है, बस ये फ़र्क होता है कि अफ्रीका में रहने वाले लोग जो हैं वो काले हैं और अमेरिका में रहने वाले लोग जो हैं वो थोड़े गोरे होते हैं, और एक बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं। अमेरिका एक डेवलप कंट्री है, वहाँ के लोग थोड़े अमीर होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, तमीज़ याफ्ता होते हैं, और आप अगर किसी गरीब मुल्क में चले जाएँ तो वहाँ थोड़ी बुराइयाँ भी होती हैं और टेररिज्म वगैरह की वजह से और दूसरे मामलों की वजह से, गुरबत की वजह से, इन्फ्लेशन रेट हाई होने की वजह से थोड़े से मामलों वहाँ पर ख़राब होते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं। एथनिक डाइवर्सिटी विद इन अ कंट्री प्लेज अ पार्ट, बिफोर ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम कल्चरल डेटा इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर मैनी फैक्टर, अ सिंगल केस रियरली प्रोड्यूस अ वैलिड कंक्लूजन। अगर आप एथनिक डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि इथोनेटिज्म, यह जो हम बात कर रहे थे ना इथोनोसेंट्रिज्म, अगर आप एक कल्चर में दूसरे कल्चर के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो किसी खास लोगों से बात करें या आप जो है वहाँ का कल्चरल डेटा उठाएं और उसकी बेस पे जो है आप जो है वो पूरा एक रिज़ल्ट निकाल के बैठ जाएं और आप अपने जो है एक वैलिड कंक्लूजन उस पर पहुँच जाएँ, या आप किसी एक इंसान से बात करें, जैसे आप बिज़नेस कम्युनिकेशन के सिलसिले में अमेरिका में किसी एक शख्स से बात कर रहे हैं और अगर आप उसने आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया तो आप इस बात को समझेंगे यार सारे लोग इसी तरीके से होते हैं, या एक ने आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया तो आप इस बात पर अंदाज़ा लगा लेंगे यार यहाँ के लोग तो सारे ही अच्छे होते हैं। तो ऐसा नहीं है किसी एक इंसान से बात करके या थोड़ा सा कल्चरल डेटे को आप एनालाइज़ करके ये नहीं कह सकते कि सारे लोग अच्छे हैं या सारे लोग बुरे हैं। आप नतीजा आपको जानने के लिए आपको थोड़ी स्टडी की ज़रूरत है और 3-4 तकरीबन 10-12 लोगों से बात करने की ज़रूरत है या मुख्तलिफ लोगों से बात करने की ज़रूरत है, जब जाकर आप एक नतीजे पर पहुँच सकते हैं या एक वैलिड कंक्लूजन आप ड्राइव कर सकते हैं। वाइल कम्युनिकेटिंग द मैसेज द सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई। जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो आपस में मैसेज एक्सचेंज हो रहा होता है, जब मैसेज एक्सचेंज हो रहा होता है उसमें सेंडर और रिसीवर दोनों को मसला आ रहा होता है एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में जैसे नॉइस हो गया और इंटरनल फैक्टर में जो है वो आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो ठीक नहीं है, ये ऐसा माहौल है जहाँ पर एक आप कंफर्टेबली किसी से बात नहीं कर सकते। कम्युनिकेटिंग विद बिजनेस पीपल इन अ फॉरेन कंट्री यू मस्ट रियलाइज दैट ओवरऑल नेशन एंड इंडिविजुअल कल्चरल डिफरेंस विद इन द कंट्री फर्दर अफेक्ट दिस स्टिमुलाई। अब अगर आप बिज़नेस के सिलसिले में किसी से बात कर रहे हैं और जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं वो फॉरेन कंट्री में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ के नेशनल और इंडिविजुअल कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ नेशनल हॉलीडे चल रहा हो, या आप जहाँ पे बात करना चाह रहे हैं वहाँ पे नेशनल हॉलीडे चल रहा हो, या वहाँ पर टाइम जोन का डिफरेंसेस हो तो आप उनको कॉल कर दें तो वहाँ पर जो है वो रात हो रही हो और वो सो रहे हो हालांकि आपके यहाँ दिन है। बहुत सी कंट्रीज़ फॉरेन कंट्रीज़ में, यूके में ऐसा ही होता है कि हमारे यहाँ जब रात होती है तो वहाँ पे दिन होता है, वहाँ पे उनके दिन का आगाज़ होता है, आप दिन में जो हैं और जब आपके यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, आप उन पे कॉल कर दें उनको तो उनको परेशान करें। तो एक इंडिविजुअल नेशनल लेवल पे आपने देखना है उनके टाइम जोन वगैरह क्या है और कल्चरल डिफरेंसेस देखना है, जैसे कल्चरल कोई इवेंट चल रहा है वहाँ का, जैसे हमारे यहाँ ईद होती है, रमज़ान होते हैं और नमाज का टाइम होता है मुख्तलिफ चीज़ों का, तो आप इस चीज़ों को देखते हुए आपने इन चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, इनको आपने बिल्कुल इनको मनहूस खातिर रखना है उनसे बात करते हुए कि आप देख लें टाइम देख लें कि किस तरीके से आप उनसे बात कर रहे हैं और किस वक्त पे बात कर रहे हैं। फॉलोइंग आर द ग्लोबल और मैक्रो कंस्ट्रेंट एंड वेरिएबल दैट द कम्युनिकेटर मस्ट फेस वाइल वर्किंग विद फॉरेन कंट्रीज फॉरेन रिसीवर ऑफ देयर मैसेज। यानी कि ये एक टेबल दिया गया है जहाँ पर बताया गया है कि आपने जब फॉरेन कंट्रीज़ में आपने बात करनी है तो आपने किन चीज़ों को बिल्कुल किन चीज़ों का ख्याल रखना है इनको बात करते हुए। जैसे यूनाइटेड स्टेट में है जो है कंसर्न विद डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी से मुराद ये हो सकती है कि वहाँ पर जो है इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि इंडिविजुअल लेवल पे आपकी क्या एजुकेशन है, आपकी पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और आप जो उनसे बात कर रहे हैं वो आप कंसर्न पर्सन हैं कि नहीं है, तो वो एक कंसर्न पर्सन से बात करना चाहते हैं। अगर वो बिज़नेस डील कर रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं कि आपकी की पोजीशन पे हैं या नहीं है, तो डाइवर्सिटी के से उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है आपकी पोजीशन क्या है, आप किस टाइम पे बात कर रहे हैं, आप उनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद अदर कल्चर्स के अंदर जो है वो लेस टॉलरेंस होती है डाइवर्सिटी के ऊपर।
इसके बाद है एक्सपेक्ट आंसर क्विकली टू फैक्सेस लेटर और ईमेल। अमेरिकन जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ईमेल पे, फैक्सेस पे और मैसेजेस वगैरह पे उनको रिप्लाई जो है वो क्विकली चाहिए। अदर कल्चर्स के अंदर अगर स्लोली रिप्लाई भी आया तो उनको कोई इशू नहीं होता इतना ज़्यादा। फ्यू वेकेशन पीरियड्स होते हैं अमेरिका के अंदर जो है, बहुत कम छुट्टियाँ होती हैं, मगर दूसरे कल्चर्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं, अबाउट 17 तक छुट्टियाँ होती हैं कुछ कंट्रीज़ के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, प्रीफर डिडक्टिव इट गेट टू द पॉइंट मोर क्विकली, यानी कि डिडक्टिव थिंकिंग और इनडिडक्टिव थिंकिंग की पिछले एक्सेस में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। डिडक्टिव थिंकिंग का मतलब ये होता है कि फ़ौरन से एक पॉइंट पे पहुंच जाना और एक नतीजा जो है वो अखज़ कर लेते हैं कि भाई आप ऐसे हैं, वो टू द पॉइंट रहने की कोशिश करते हैं कि आप सिंपल उनसे बात करें, टू द पॉइंट बात करें, जो आपका मसला है वो उनको बताएं या उनकी जो क्यूरी है उसको हल करें और टू द पॉइंट रहें। दूसरे कल्चर के अंदर क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा इंडक्टिव थिंकिंग पे होते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि कोई आप अगर बिज़नेस डील करने जा रहे हैं तो क्या मसले मसाइल है, क्या चीज़ें, आप इधर उधर की बातें भी उनसे कर सकते हैं या उनको ज़्यादा डिटेल दे सकते हैं। दूसरे कल्चर्स के अंदर इतना ज़्यादा इंडक्टिव थिंकिंग जो है वो मोर एम्फेसिस होता है एज़ कम्पेयर टू डिडक्टिव थिंकिंग। रैंक इज़ लेस इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड स्टेट में अगर आप बात कर रहे हैं तो आप क्या बात कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि अगर कंपनी ने आपको कम्युनिकेट करने को बोला है उनको और आप बहुत ज़्यादा लोअर पोजीशन में हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं लेकिन आप एक कंसर्न और वैलिड पॉइंट दे रहे हैं, तो वो इस चीज़ को, वो आपकी बात को कंसर्न करते हैं कि चलो अगर नीचे से भी बात आ रही है तो अगर कंसर्न बात आ रही है और ठीक बात आ रही है और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो वो इस चीज़ का बुरा नहीं मानते कि भाई हमें कोई सीनियर बंदा रिप्लाई करे। दूसरे कल्चर के अंदर जो है वो रैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो देखते हैं कि भाई कहाँ से मैसेज आ रहा है। अगर नीचे लेवल से मैसेज आया और मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी क्यूरी को आंसर कर रहा है तो, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि जिस रैंक, एक बड़ी रैंक से हमारे पास मैसेज आना चाहिए था। नेशनल वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं कि एक कंट्री का एजुकेशन लेवल क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पर क्या है, उनकी अखलाकी कदरें क्या हैं। इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल क्या होते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट कितना करते हैं, अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें तो आपकी टाइम मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, आपकी ड्रेसिंग कितनी अच्छी है, आपके मैनर्स कितने हैं, आपको बात करने का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंसिडर की जाती हैं। नेशनल कल्चर वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, मैनी मैनेजर्स इन फॉरेन कंट्रीज आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, यानी कि बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर मैनेजर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। एशियन एंड चाइनीज मैनेजर्स हैड लेस फॉर्मल एजुकेशन देन अमेरिकन एंड यूरोपियन मैनेजर्स, यानी कि अगर आप अमेरिका की मिसाल लें या यूरोप की मिसाल लें, वहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट पोजिशन पर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं एज़ कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज़। अब एजुकेशन लेवल दिखाया गया है कि चाइना के अंदर 5.4% है, तो एशिया के अंदर 2.5% है और US के अंदर 0.1% है। ये वो लोग हैं जो हाई स्कूल तक नहीं पहुँचे, और हाई स्कूल ग्रेजुएट, हाई स्कूल से मुराद कॉलेज वगैरह हो सकता है और हाई स्कूल ग्रेजुएट से मुराद यूनिवर्सिटी हो सकती है। कि चाइना में 31.8% जो हैं वो हाई स्कूल ग्रेजुएट हैं और एशिया के अंदर 12.4% है और US के अंदर 3.2% है। ये मैनेजर्स की बात हो रही है। सम कॉलेजेस अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारे स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 5.4% जो लोग हैं चाइना के अंदर, अगर 5.4% जो मैनेजर्स हैं वो हाई स्कूल भी नहीं गए होते। एशिया के अंदर 2.5% मैनेजर्स होते हैं जो हाई स्कूल नहीं गए होते, और US के अंदर 0.1% होते हैं जो कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर होते हैं जो हाई स्कूल तक गए होते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा एजुकेशन वाले लोग वहाँ पर होते हैं। तो ये टेबल इस तरीके से है, आप इसको गलत रीड मत कर लीजिएगा। बिफोर ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डेट इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर मैनी फैक्टर, परसेंटेज ऑफ मैनेजर रिकमेंडिंग स्पेसिफिक कोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन फॉर जनरल मैनेजमेंट, यानी कि कुछ कोर्सेज भी होते हैं जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन का कोर्स है, रिटन कम्युनिकेशन का कोर्स है। तो US में जो है वो ओरल कम्युनिकेशन का कोर्स जो है वो 79.5% जो की पोजिशंस पे लोग होते हैं वो कोर्सेज ये करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन 78% करते हैं। एशिया के अंदर भी अब ये बहुत ज़्यादा चल गया है, जैसे पाकिस्तान भी है, कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। आप अगर YouTube पे सर्च करें या इधर उधर देखें, यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम में ये चीज़ शामिल है, इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है कि कम्युनिकेशन जो है वो, भले वो ओरल हो या रिटन हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर एम्फेसिस दिए जाने के बाद जो है हमारी परसेंटेज कदरें बेहतर है एज़ कम्पेयर टू चाइना। एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ मिडिल मैनेजर, के एटीट्यूड किस तरीके से पता चलता है कि हमारे यहाँ जो, अगर आप किसी का एटीट्यूड जानना है, एटीट्यूड से मुराद ये है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि एजुकेशन का मैार एक कंट्री के अंदर कैसा है, तो आप देख सकते हैं कि मिडिल जो मैनेजर्स हैं वहाँ पे जो की पोजीशंस पे लोग होते हैं उनका एजुकेशन का लेवल क्या है, तो उस कंट्री के अंदर जो है वो वुमेन, औरतों को कहाँ तक सपोर्ट की जाती है कि वो तालीम हासिल करें। डच एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द नेशनल बजट, यानी कि नेशनल बजट के अंदर जो है वो एक अच्छा खासा बजट रखा जाता है एजुकेशन के लिए या नहीं।
लॉ एंड रेगुलेशन है इन बोथ द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, वेरीज गवर्नमेंट रेगुलेशन अफेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन एंड द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि बहुत सी जो डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो उसके अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो उसकी वजह से सेल प्रोडक्ट की सेल में जो है वो बहुत ज़्यादा रुकावट का बायस भी बनते हैं और बाज़ दफ़ा उनको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ अल्कोहल कंजम्पशन जो है या अल्कोहल की सेल करना, अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो मुसलमानों में हराम है, शराब नोशी जो है उसको बहुत बुरा समझा जाता है, तो इसकी सेल जो है वो हमारे यहाँ ऐसे नहीं हो रही होती खुलेआम तो, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में जाएँ तो ये इजीली अवेलेबल होती है हर शॉप पे आपको। और इसके बाद एडवर्टाइजिंग और दूसरी चीज़ें जो है, जैसे अमेरिका की मिसाल दी जा रही है कि एडवर्टाइजिंग डायरेक्टेड एट चिल्ड्रन इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट, कैनेडा एंड स्कैंडिनेविया। यानी कि अगर आप एडवर्टाइजिंग की बात करें तो चिल्ड्रन के अंदर जो एडवर्टाइजिंग है यूनाइटेड स्टेट में, कैनेडा में, स्कैंडिनेविया में, आप डायरेक्ट चिल्ड्रन को जो है एडवर्टाइजिंग का क्राइटेरिया नहीं बना सकते। आप अपनी टारगेट ऑडियंस एक एडवर्टाइजमेंट की एक टारगेट ऑडियंस जो है वो चिल्ड्रन को आप डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। लॉज एंड रेगुलेशन, डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी है, टू व्हाट एक्सटेंट आर द लॉज ऑफ द कंट्री कोडिफाइड। यानी कि किस हद तक जो है कंट्री के जो लॉज एंड रेगुलेशन हैं वो अच्छी है और किस तरीके से सख्त हैं, यानी कि वो आसान हैं या सख्त हैं, या वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको कितना पता है उन कानून के बारे में और वो कितना कानून पर अमल करते हैं। आर द लॉज एंड द रेगुलेशन ऑफ द कंट्री एक्सेप्टेड एंड इन्फोर्स्ड। यानी कि वहाँ पर रहने वाले जिस कंट्री में आप बात करना चाह रहे हैं लोगों से या कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो रेगुलेशन ऑफ द कंट्री को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, या वहाँ की जो कंट्री है वो पुलिसमैन जो हैं या वो लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं वो इन्फोर्स करके ज़बरदस्ती कानून पर अमल करवाती हैं। इकोनॉमिक्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा वेरी फ्रॉम नेशन टू नेशन। यानी कि एक कैपिटल कितना ज़्यादा मौजूद है, ट्रांसपोर्टेशन के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और एक इंसान जो है वो यानी कि इन्फ्लेशन लेवल कितना है। जैसे हमारे यहाँ इन्फ्लेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, आजकल जो हालात चल रहे हैं आप देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है और आपको एक अजीब सी खबर, अजीब हर चीज़ महंगी होती जा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ा मैटर करती हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, एक इंसान जो है वो उसकी ज़िंदगी कितनी आसान है उस मुल्क के अंदर, ये वेरी करता है नेशन टू नेशन के अंदर। द अपॉर्चुनिटी टू बोरो मनी, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लुएंस बिजनेस, कंट्री एबिलिटी टू कम्युनिकेटिंग कंसर्न दैट बिजनेस। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ एक कंट्री के जो है वो हालात पे इफ़ेक्ट नहीं करती, बल्कि कंट्री की एबिलिटी पे भी कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं वो दूसरे बिजनेस से उसके ऊपर भी बड़ा इफेक्ट करती है। पास हिस्ट्री एंड प्रोजेक्शन, विच इकोनॉमिक चेंजेस हैव अकर्ड विद इन द पास्ट 5 ईयर विल अफेक्ट द फ्यूचर। यानी अगर आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो जैसे कोई बाहर की कंट्री के जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है और वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो वो इकोनॉमिकली देखेगी कि पिछले 5 साल के अंदर जो है वो इनकी इकोनॉमी किस तरीके से रही है। वो स्टेट्स को देखेंगे कि हमारा फॉरेन रिजर्व्स कितने थे, हमारे यहाँ डॉलर्स कितने हैं, हमारे यहाँ लोग कितने डेडिकेटेड हैं, हमारे हालात कैसे हैं, तो कि भाई वो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो फ्यूचर में जाके कैसे हालात पैदा हो सकते हैं इकोनॉमी को, ये जज करके वो पिछले 5 साल की इकोनॉमिक कंडीशन को अंदाज़ा लगाएंगे। इज़ द गवर्नमेंट सपोर्टिव ऑफ द इकोनॉमिक चेंजेस, अगर कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक चेंजेस में सपोर्टिंग है या नहीं है। अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करती है पाकिस्तान के लिए, तो गवर्नमेंट क्या उसको सपोर्ट करती है या नहीं करती है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट हुए हैं तो गवर्नमेंट जो है वो उनको टैक्स छूट दे देती है 2-3 सालों के लिए, ताकि इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया जाए और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में आए, ताकि इससे क्या होता है, एक तो एम्प्लॉयमेंट के जो हैं वो बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट होते हैं, और दूसरा कोई और आपके मुल्क में सरमाया लगाता है तो आपके मुल्क में चीज़ बनना शुरू हो जाती है तो वो लोकली हो जाती है, ना कि आपको इंपोर्ट करनी पड़े जिससे आपके डॉलर बाहर जाते हैं। पॉलिटिक्स है, द स्वीपिंग पॉलिटिकल चेंजेस इन अ गवर्नमेंट विल इफेक्ट फ्यूचर बिजनेस रिलेशन। यानी कि पॉलिटिकल चेंज जो आता है गवर्नमेंट के अंदर, ये भी बड़ा बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करता है। इवेंट्स सच एज एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन, अरेस्ट, एसिनेशन, इलेक्शंस, एक्साइज, जनरल स्ट्राइक, गोरिल्ला वारफेयर, गवर्नमेंट क्राइसिस और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट करती हैं। जैसे कि आप ये देखते होंगे कि जैसे ही गवर्नमेंट वगैरह चेंज कर रही होती हैं तो आपको सुनने में आता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई, और जैसे ही कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है, इलेक्शंस हो जाते हैं या कोई एक अच्छा बंदा जो है वो इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, तो आप देखते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो आपको सुनने में मिल रहा होता है कि KSE इंडेक्स जो है या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो है वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी रही या बिज़नेस में मंदी रही, इस तरीके की खबरें आती हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है पाकिस्तान के अंदर, तो वो आप जब उससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वो आपसे पूछ रहा होता है कि पिछले 5 साल के अंदर क्या पॉलिटिकल चेंज आए, या वो खुद रिसर्च कर रहा होता है। रिलीजन है,
बी केयरफुल ऑफ रिलीजन बिलीव इन फॉरेन कंट्रीज। अगर फॉरेन कंट्रीज़ में आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा फोकस में रखना है कि वहाँ का रिलीजन कैसा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके रिलीजन का मजाक उड़ा दें या किसी और चीज़ का मजाक उड़ा दें जो कि उनके लिए काबिल बर्दाश्त ना हो। तो आप उनके रिलीजन की इज्जत करें। वैसे भी दीन इस्लाम हमारा दर्ज देता है कि हम दूसरों के रिलीजन को जो है वो उनकी इज्जत करें। जैसे रिलीजियस हॉलीडे इफेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इंटरप्टिंग वर्क शेड्यूल और डिलेइंग रिस्पॉन्सेज टू रिक्वेस्ट। जैसे हमारे यहाँ ईद का त्यौहार होता है, अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो ईद वाले दिन मैसेज कर रहा है तो वो आप उसका रिप्लाई यकीनन नहीं दे पाएंगे, एक दो दिन बाद मैसेज देंगे। तो आपको अगर कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है तो आप उसको पहले से ही बता देंगे कि हमारे यहाँ इस दिन जो है वो ईद होती है, ये हमारा मजहबी त्यौहार है। या अगर वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो अच्छे कम्युनिकेटर हैं और उन्होंने बिजनेस कम्युनिकेशन का जैसे कि कोर्स लिया होगा तो उनको रिलीजन के बारे में यकीनन उन्होंने सर्च की होगी और वो पहले से आपको बताते होंगे या वो जानते होंगे कि इन दिनों में आपके जो है वो ईद वगैरह चल रही है, छुट्टियाँ हैं, तो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बता भी रहे हैं रिलीजन में आपने किन किन चीज़ों को फोकस करना है। आर यू अवेयर ऑफ मेजर रिलीजियस बिलीफ दैट कुड अफेक्ट योर बिजनेस रिलेशनशिप? विल द रिलीजियस हॉलीडे अफेक्ट योर रिदम ऑफ कंडक्टिंग मैसेजेस? के भाई रिलीजियस जो हॉलीडे हैं उनके अंदर आप बिजनेस मैसेज कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? उसके बाद सोशल नॉर्म्स हैं, इखलाकी माशरती इखलाक क्या हैं, आपकी कदरें क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपके लोग किस तरीके से रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ बहुत अदम बर्दाश्त है जैसे हमारे यहाँ अक्सर हो रहा है कि रोडों पे मोबाइल स्नैच हो जाते हैं, बाइक स्नैच हो जाती है और बाज़ औक़ात एक मोबाइल के खातिर एक जान भी चली जाती है। तो ये सारे मसले मसाइल जो हैं इखलाकी कदरें होती हैं कि इखलाकी तौर पर एक कौम कहाँ पर खड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आर यू अवेयर ऑफ सोशल हायरार्की ऑफ द कंट्री? यानी कि सोशली जो पोजीशन है कंट्री की वो कैसी है, यानी कि लोग बहुत प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। आप अक्सर देख रहे होते हैं यूट्यूब पे या इधर उधर कि यहाँ से कोई बंदा अगर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया जाता है या इंडिया से कोई बंदा हमारे यहाँ पाकिस्तान आता है तो वो सोशल मीडिया पर बता रहे होंगे कि हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा जैसा ख्याल था, जैसा हमने सोचा था उसके बरक्स है, जैसे हम टीवी में देखते थे कि दोनों मुल्कों में बहुत नफरत है और दुश्मन देश हैं या दुश्मन मुल्क हैं, इस तरीके की बातें की जाती हैं। लेकिन जब हम लोग मिलते हैं तो एक अलग एक्साइटमेंट से मिलते हैं, एक मोहब्बत से मिलते हैं, खुलूस से मिलते हैं। तो ये हमारी सोशली नॉर्म्स ही हैं, हमारी इखलाकी कदरें ही हैं जो हमारे को जो हैं वो आगे लेके जा रही हैं और दुनिया में तरक्की पज़ीर मुल्क बनाती हैं। लैंग्वेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी लैंग्वेज जो है कैसे, जैसे इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज है एंड टू मेजर एक्सटेंड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आर ऑफन टू कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कि लैंग्वेज जो है आपको पता होना चाहिए जिस मुल्क में आप जिस बंदे से कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज क्या है, क्या वहाँ पे इंग्लिश उनको समझ में आती है या नहीं आती है। बाज़ जगहों पे ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती। इज़ इट नेसेसरी टू हैव एन इंटरप्रेटर एज अ बिजनेस सेशन? इज़ इंग्लिश अंडरस्टूड एट द ओरल और रिटन लेवल? क्या आपको इंग्लिश आपको अंडरस्टैंड और ओरल लेवल पे और रिटन लेवल पे समझ आती है, या आप जिस बंदे से कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या उसको समझ में आती है या नहीं आती है? ये चीज़ें सारी आपने कम्युनिकेट करने से पहले, इन ये जो लैंग्वेज है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आपने नज़र में रखना है। इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल ही और शी एक्सपेक्ट अ यूनिक लाइफ स्टाइल पर्सनल हैबिट एंड थिंकिंग डाइवर्सिटी थस विद इन ईच कल्चर ऑन द माइक्रो एंड मैक्रो आर डिफरेंस इन वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज एक्सप्रेसिंग थ्रू वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इंडिविजुअल स्पीच फूड एक्सेप्टेबल ड्रेस मैनर्स होमवर्क वर्क डिसीजन मेकिंग पैटर्न अदर नॉन वर्बल वेरिएशन। यानी कि आप जो है कि इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स भी होते हैं कि भाई वो किस तरीके की फूड उसको पसंद है या किस तरीके के उसके कॉन्सेप्ट्स हैं या उसको वर्बली कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, नॉन वर्बल बात करना पसंद है, डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स कैसे हैं और नॉन वर्बल वेरिएशंस कैसी हैं। जैसे वर्बल वेरिएशन होती हैं, एक नॉन वर्बल भी होती हैं कि बाज़ जगहों पे आई कॉन्टैक्ट जो है उसको अच्छा समझा जाता है, बाज़ जगहों पे आई कॉन्टैक्ट जो है वो इसको एक बदतमीज़ी समझा जाता है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ पे इंडिविजुअल जो है या आप एक बंदे से बात करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि क्या बातें इसको अच्छी लगती हैं, क्या बातें बुरी लगती हैं। तो आप कोशिश करते हैं उससे अच्छी ही बात की जाए, बुरी बात ना की जाए ताकि उसको बुरा ना लगे। टाइम है पर्सन लैटिन अमेरिका एंड द मिडल ईस्ट ही ट्रीट टाइम मोर कैजुअली देन टू अमेरिकन हु प्रेफर प्रॉम्प्टनेस। यानी कि लैटिन अमेरिका के अंदर जो लोग होते हैं और मिडल ईस्ट के अंदर जो लोग होते हैं, इन दोनों की मिसाइल दी जा रही है कि मिडल ईस्ट के जो लोग होते हैं वो जो हैं वो टाइम को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, अगर आप कुछ लेट हो गए हैं तो उनके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन अमेरिकन जो है वो कोशिश करते हैं कि प्रॉम्प्टनेस हो, जो चीज़ आपको दी गई है वो आप टाइम पर मुकम्मल करें। सिमिलरली जर्मन आर टाइम प्रिसाइज इन लैटिन अमेरिका एंड इन बुद्धिस्ट कल्चर जो मैं वेट एन आवर जस्ट रिफ्लेक्टिंग अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम अराइविंग लेट इज़ एन एक्सेप्टेड इन सोशल कस्टम। यानी कि लैटिन अमेरिका के अंदर बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर अगर आपको जो है वो एक घंटा इंतज़ार करना पड़े तो इसको इतना बुरा नहीं समझा जाता। जस्ट रिफ्लेक्टिंग अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट अराइविंग लेट इज़ एन एक्सेप्टेड इन सोशल कस्टम। बाज़ जगहों पर यह होता है अगर आप लेट आ जाएँ तो इतना कोई मसला नहीं होता, अगर बाज़ जगहों पर आप लेट आएँ तो इसको बहुत बुरा समझा जाता है। इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कंसर्न लीनियर और सर्कुलर? व्हाट विल द इम्पैक्ट विल ओपन बिजनेस डिसीजन के भाई अगर आप टाइम की पाबंदी नहीं करते तो इसका आपके बिजनेस डिसीजन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने होती हैं।
कल्चर वन और कल्चर टू की मिसाल दी जा रही है। जैसे कल्चर वन के अंदर क्या होता है, लेट्स गो इट, लेट्स गेट ऑन विद इट, यानी कि अभी चलो इस पे काम करते हैं। और मनाना क्या है कि भाई टुमारो करते हैं। टाइम सेविंग डिवाइसेस होती हैं कि वहाँ पे जो हैं वो ऐसी डिवाइसेस बनाई चाहिए तो टाइम सेव करें, और वहाँ पे जो है एफिशिएंटेड डिवाइसेस बनाई जाती हैं वहाँ, यानी कि कल्चर वन के अंदर डिवाइसेस को ये सोच के बनाया जाता है कि वो टाइम सेव करेंगी, लेकिन कल्चर टू के अंदर जो है वो एफिशिएंट डिवाइसेस बनाई जाती हैं कि वो काम अच्छा कर दें, टाइम को इतना मैटर नहीं दिया जाता। द फ्यूचर इज़ नाउ, यानी कि कल्चर वन के अंदर बोलते हैं कि भाई फ्यूचर कुछ नहीं होता, फ्यूचर आज है। ट्रेडिशन शुड बी ऑनर्ड, यानी कि जो सकाफत है उसको फॉलो किया जाता है। अगर आज कोई अच्छा काम है तो आप उसको, अगर आज आपके ईद है, हॉलीडे है, या कोई आपके यहाँ त्यौहार चल रहा है, तो आप उसको एंजॉय करते हैं कल्चर टू के अंदर। लेकिन कल्चर वन के अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि भाई फ्यूचर है, हर टाइम फ्यूचर के लिए काम करना है, सारी चीज़ें देखनी है। स्पेस है, हाउ क्लोज में स्ट्रेंजर स्टैंड टू यू, यानी कि ये चीज़ हम पहले एक लेक्चर में कवर कर चुके हैं। स्पेस से मुराद ये है कम्युनिकेशन के अंदर कि आप किसी के कितना क्लोज जाके खड़े हो सकते हैं। अमेरिका में जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर बाकायदा स्टैंडर्ड बने हुए कि अमेरिका के अंदर जो है तकरीबन हाफ बाजू आप कह सकते हैं या पूरा एक बाजू जो है वो इतने दूर खड़ा होते हैं, इससे ज़्यादा करीब आने को वो बुरा समझते हैं या बदतमीज़ी समझी जाती है। और जैसे यहाँ पर मिसाल दी जा रही है स्पेस की, हाउ वुड यू रिएक्ट टू द पीपल हैंगिंग ऑन टू द आउटसाइड ऑफ अ बस इन पाकिस्तान। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में, हमारे लिए नॉर्मल बात है कि पाकिस्तान में जो है लोग बसों में लटक के जा रहे होते हैं, बसों की छतों पर बैठे होते हैं, बसों के दरवाज़ों पर जो है वो बहुत ज़्यादा लोग लटके हुए होते हैं, और हम इस चीज़ को देख के चौंकते नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसा आप अज्यूम करें कि ऐसा अमेरिका में हो रहा है या जापान के अंदर हो रहा है, तो आपको कैसा लगेगा, आप बिल्कुल अजीब से हो जाएंगे। जब वो लोग हमारे यहाँ आएंगे तो वो बिल्कुल सोचेंगे कि यार ये किस तरीके के मुल्क है और यहाँ क्या हो रहा है कि लोगों को अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है। परसेप्शन ऑफ स्पेस, वट इज़ द एवरी एक्सेप्टेबल पर्सनल स्पेस बिटवीन नेटिव ऑफ द होस्ट कंट्री, यानी कि जिस कंट्री के अंदर आप जा रहे हैं वहाँ पर जो है आप किस चीज़ को, इस चीज़ को अच्छा समझा भी जाता है कि नहीं समझा जाता है कि आप कितना करीब किसी के खड़े हों, या आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि कितने स्पेस में आप उनके खड़े हों, कितना करीब खड़े हो सकते हैं, कितना दूर नहीं खड़े हो सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इन सबको नोट डाउन करना है। अगला लेक्चर भी हमारा इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स के अंदर है। ये लेक्चर काफ़ी लंबा था, आप देख सकते हैं कितना बड़ा लेक्चर था, तो लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए भी बड़ा हो गया होगा, लेकिन ये लेक्चर जो है वो कोर इम्पोर्टेंस का हामिल है, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको ज़रा डिटेल में आपको समझाया जाए। मकसद हमारा ये होता है कि एक दफ़ा आपको लेक्चर अगर आप सुन लें तो आप ईज़िली जो है वो एग्ज़ाम में जाके इसको रिपीट करें, या एक दफ़ा दोबारा सुन लें, या इसको एक दफ़ा पढ़ लें और आप जाके एग्ज़ाम देते हैं। इस वजह से हम इतनी डिटेल में बताते हैं। तो हमेशा की तरह थैंक्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि 97 to 98% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं, बाकायदगी से देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली एक रेड बटन है उसको आप दबा दें, उसके साथ जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस करें। उससे होगा ये कि जैसे ही कोई क्विज़ आएगा या कोई असाइनमेंट आएगा, GDP आएगा, तो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरी कोशिश होती है जैसे कोई असाइनमेंट या क्विज़ आए तो नेक्स्ट डे या उसी डे उसको जो है वो अपलोड कर दिया जाए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसको देख कर समझ कर आप जो है वो ईज़िली अपना असाइनमेंट बना लें। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।